तो यहाँ ऑलमोस्ट सारी पैकिंग डन है। बैग वैग डाल दिया मैंने, पानी की बॉटल्स डाल दी, बाकी आगे चेक करते हैं। जैकेट्स आ गई, स्नैक्स आ गया, चिप्स आ गए, गिटार आ गया, डिस्पोजेबल्स आ गए, और क्या है, सैनिटाइजर आ गया, ब्रेकफास्ट आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे बारिश आ गया आज सुबह सुबह, एक्सपेक्टेड नहीं था। देख रहे होगे आप, यहाँ पे दिख रहा होगा बारिश की बूंदें। तो गौतम की अभी वेट हो रही है, गौतम हो गया थोड़ा सा लेट क्योंकि वो आईटीओ में था। आईटीओ को करा उसने फ़ोन किया, वहाँ पे बाइक से आ रहा है तो एक्चुअली भीग जाता है, इसलिए उसने वेट करी। और मुझे फ़ोन कर रहा था शायद आने वाला होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो चुके हैं, 7:30 टाइम हो गया है यहाँ पे। बाकी देखते हैं डेस्टिनेशन अभी कितनी देर में निकलते हैं यहाँ से, लेट्स सी, ये तो होता रहता है। तो फाइनली 8:30 बजे हम निकल चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गए, गौतम बाबू आ गए हैं। हेलो। तो यहाँ से अभी हमारा फिलहाल प्लान है सिरमौर जाने का, बाकी देखते हैं रास्ता कहाँ से कैसे निकलता है। सिरमौर रिट्रीट जाके नाहन में पड़ता है ये, उधर के रास्ते जाना है, बाकी अभी थोड़ा रास्ता जाम है। तो देखते हैं लेट्स सी कहाँ से निकलते हैं कैसे जाते हैं, तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ हम रुके हैं पेट्रोल भराने के लिए, जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया वैसे ही गाड़ी को भी ब्रेकफास्ट कराना जरूरी है। तो गौतम कितने टाइम बाद हम यहाँ पे ट्रिप हमने किया है इस बार? हमने 10 महीने के बाद किया है, तो लॉकडाउन के बाद शायद पहला ट्रिप है हमारा। पहले तो हम करते रहते थे और ये फर्स्ट ट्रिप है इन मतलब कोरोना टाइम में। लाल गाड़ी का हमने भर दिया है पेट, पेट्रोल हो गया है फुल। अब इसके बाद हमें ट्रिप नोट करने के लिए इसको ज़ीरो कर देते हैं। लो ये हो गया ज़ीरो, ताकि हमें एवरेज का पता रहेगा कितनी एवरेज आ रही है कितनी नहीं। अब थोड़ा सा हवा भी भरवा ली जाए साथ के साथ। और गौतम बताओ कैसा लग रहा है, कितने टाइम बट यार मौसम तो आज अच्छा है, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है। मौसम दिल्ली का भी बढ़िया हो रहा है, दिल्ली का भी बढ़िया हो रहा है, बाहर तो ठंडा खैर हो गई। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मेन हाईवे पे। अभी तक हम पानीपत क्रॉस नहीं किया है क्योंकि थोड़ा आंदोलन की वजह से पूरा रास्ता वहाँ पे जाम था, तो हमने अंदर से कहीं से पूछ के रास्ता निकाला। तो अब क्या कहते हो गौतम, कितनी देर में पहुँच रहे हैं? क्या पता, तो हमारा बहाना होता है, हमें तो बस रास्ता एंजॉय करना है। तो हमने रास्ता बना ही लिया, रास्ता साफ है और ऊपर से कोई नया रास्ता ढूंढा है, बिल्कुल नई जगह से निकले हैं। हाईवे तो पूरा पता ही है हमें कहाँ कहाँ से निकलते हैं, तो अच्छा लग रहा है काफी। देखो मौसम बहुत बढ़िया है, एकदम फॉग तो नहीं है, कुछ स्मोक हुआ हुआ है, इतनी ठंड नहीं है बाहर जहाँ तक पता है। इस वक्त टाइम हो गया है तकरीबन 10:40 और अभी तक कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कुछ नहीं किया। गौतम तो सुबह कुछ खा के भी नहीं आया शायद, मैंने तो फिर भी चाय पी थी। कोई नहीं, अभी देखते हैं मेन हाईवे पे एक बार NH1 पे पहुंच के, जैसे ही कोई अच्छी जगह मिलती है वहाँ पे स्टॉपेज लेते हैं, चाय पियेंगे। चाय का मौसम लग रहा है बहुत बढ़िया, ठंडा ठंडा सा, हाईवे पे खड़े होकर चाय पीने का मजा ही अलग है। तो चलो देखते हैं, हम नेक्स्ट स्टॉपेज पे रुकते हैं।
हमने टी ब्रेक ले लिया है, हम रुके हैं मयूर ढाबा करनाल में। इसकी चाय बहुत स्वाद होती है, मैं हर बार जब भी यहाँ का ट्रिप लगाता हूँ तो यहीं पे रुकते हैं। कैसी रही गौतम चाय? बढ़िया है, और सबसे ज्यादा चाय की जरूरत भी थी हमें, चाय की जरूरत। सुबह से पैर गीले हो गए थे, सुबह सुबह बारिश आ गई इसकी वजह से गौतम लेट हो गया, और इसकी जीन्स भी अभी गीली है। अब तक तो सूख गई होगी, सूख गई अब तो। ठंडी जगह में जाने का, ठंड में चाय पीने का मजा ही अलग है। हम जब भी जाते हैं यहीं पे तो यहीं की चाय। वैसे जब भी आओ तो करनाल में मयूर ढाबा पे चाय जरूर ट्राई करो। हाँ, इधर से दिल्ली से जाते हुए उधर हिमाचल की साइड करनाल में मयूर ढाबा पड़ता, रास्ते में यहाँ की चाय अच्छी रहती है। बाकी खाना वगैरह मैंने अभी इतना खाया नहीं, पर स्वाद होता है खैर। और वहां से आते हुए तो खैर बहुत सी जगह पड़ती है। वैसे तो हम मूर्थल में स्टॉपेज लेते हैं एनी हो, बट हमें तकरीबन पानीपत कवर करते करते हम कितने में निकले थे, 8:15 के करीब निकले थे, और अभी मेरे ख्याल 11:30 हो रहे हैं। तकरीबन 2-3 घंटे लग गए पानीपत कवर करते करते। नहीं तो वैसे 85 किलोमीटर पड़ता है तो इतना टाइम नहीं लगता, हम यहाँ पे 2 घंटे तक पहुंच जाते हैं। बट कोई बात नहीं भाई, बैठे आंदोलन में। सुखदेव के पराठे तो हमने मिस कर दिए, पर अभी किसान बहुत सारे जा रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करना है। हाँ। तो पता नहीं हम वापसी कैसे होगी, बस हम अभी भी आगे जा रहे हैं। अभी तो आगे का जा रहे हैं, बाद में सोचेंगे कैसे वापस करना है कैसे नहीं। तो यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन अराउंड 3 hours की रह गई है, 3-3.5 hours की। तो देखते हैं अभी रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलता है, कैसा रहता है वहाँ पे। वैसे आगे इतना होगा नहीं, आराम से हम जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम चाय के मजे लेते हैं, घर से हम ब्रेड पीस अपने लेके आए थे, ब्रेड बटर, तो वो खाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। बाय बाय बाय। निकलते हुए ध्यान रखा था कुछ चीजों का कि हमें कौन से रूट से निकलना है, कहाँ से निकलना है, क्योंकि हमें पता है अभी थोड़ा यहाँ पे आंदोलन वगैरह चल रहा है, और कोरोना की वजह से भी काफी यहाँ पे जाम वगैरह था रास्ते में। तो हमने पहले प्लान कर लिया था, और कुछ मेरा एक दोस्त भी है जो भी पीछे कल आज सुबह ही वापस आया था दिल्ली, तो उससे मैंने कन्फर्म किया था कि वो कौन से रूट से आया, क्योंकि सीधा रास्ता तो यहाँ पे जाम है। तो हम वहां से निकले, हमें टाइम जरूर ज्यादा लगा, बट ये है कि हमें कोई किसी तरीके का ट्रैफिक नहीं था, कोई ऐसी बैरिकेडिंग नहीं थी, हम आराम से निकल आए। जब आप कोविड के टाइम पे ट्रैवल करते हो ना, और अपने हिसाब से प्लान करके निकलते हो, पर जो एक्चुअल सिनेरियो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। हमने जो रूट प्लान किया था हमें वो नहीं, हमें ऑल्टरनेट रूट सेलेक्ट करने पड़े। तो ऐसे में थोड़ा कूल होके जो भी अपना शॉर्टेस्ट रूट लगे तो उस हिसाब से अपना प्लान करो। अपनी प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है, जैसे आप कभी रेस्टोरेंट वगैरह में ना खाओ, डिस्पोजेबल यूज करके अपनी गाड़ी में खा लो, तो ये सब बेसिक जो ध्यान रखने वाली चीज है वो हमने ध्यान रखा हुआ है। बाकी रोड ट्रिप जब भी प्लान करो आप, तो सबसे पहले वहाँ का देखो कि रूट कितना टाइम आपको दिखा रहा है वहाँ पहुँचने का, क्या बेस्ट टाइमिंग रहेगा निकलने के लिए, कितने बजे आप निकलोगे, कितने बजे पहुंचोगे। जितना वो दिखाता है गूगल आंटी, जितना टाइम दिखाती है उतना लगता नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि आप बीच में ब्रेक भी लोगे, रुकोगे भी, खाओगे पियोगे, प्लस आपको कुछ बजट चीजें भी होती हैं, बजट कॉन्स्टेंट्स हर किसी को रहते हैं, तो आप थोड़ा बजट देख सकते हो कितना बजट पड़ेगा, आपने कहाँ रुकना है। आप बहुत सी ऐप्स हैं जहाँ होटल्स रूम वगैरह देख सकते हो कितना आपको कॉस्ट पड़ती है, क्या पड़ती है। तो ये चीजें हैं जो थोड़ा आपको शुरू में ध्यान रखना चाहिए, खासकर रोड ट्रिप।
यहाँ पे हमने लिया है अपना नेक्स्ट टॉपिक चाय के लिए, प्लस चाय के साथ हम खाएंगे मैगी। तुम पहाड़ों पे आए तो मैगी ना खाएं, ऐसा हो सकता है, मज़ा ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। धूप थोड़ी सी तेज़ हो गई है बट गर्मी नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है, मौसम तो अच्छा है, ठंडा मौसम है। शोर ज़्यादा है थोड़ा हाईवे का, पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं। तुम कितने जीते और मैं कितना जीता? मैं दो जीता।